So hi guys, in this video I'm going to show few plants which I propagated and try to propagate through some cuttings. So I'll show you what is the progress. So this was the snake plant for which I have prepared a video and I've also uploaded it there. I'll give the link in the description and how to propagate these plants. So इसको मैंने अप्रैल में के मंथ में लगाया था और अभी 3 months हो गए हैं. After 3 months this is the growth. You can see that it has got so many roots and also it has developed shoots too in the span of 3 months. 3 महीनों में इसकी shoots और roots सब develop हो गई हैं. In fact roots तो 3 months में ही develop हो गई थी और ये shoots भी later on after like 2 months इसमें shoots भी निकलने लगी. आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी shoots develop हो गई हैं. तो ऐसे आप इसे water में propagate कर सकते हो. ये देख सकते हो आप. So इसे आज मैं पॉट्स में ट्रांसफ़र कर दूंगी, सॉयल में लगा दूंगी ताकि ये इसकी ग्रोथ प्रॉपर होने लगे और ये नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाए, लाइक नए प्लांट्स में डेवलप कर जाए. सो इससे मैं और भी प्लांट्स प्रिपेयर करूंगी. सो द नेक्स्ट प्लांट दैट आई हैव प्रोपोगेटेड इज दिस वन, दिस एवोकाडो प्लांट. अगर आप देख सको सो ये मेरा एवोकाडो प्लांट है जो कि इतना लंबा ग्रो कर चुका है और इसको मैंने सीड से डेवलप किया था. तो मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि ये इतना लंबा हो जाएगा. एंड दिस वाज माय फर्स्ट टाइम ट्राइंग टू ग्रो एन एवोकाडो प्लांट. सो इसको भी मुझे सोयल में पॉट करना है, इसको भी पॉट में मुझे लगाना है. सो द नेक्स्ट प्लांट दैट आई ट्राइड टू ग्रो वॉज दिस, लाइक आई ट्राइड टू प्रोपोगेट. मेरे पास एक ये जीजी प्लांट है, तो मेरे पास एक जीजी प्लांट था जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था और बहुत इसकी लीव्स सूख गई थी. सो आई थॉट टू कट डाउन इट्स स्टेम और इसको फिर मैंने पानी में रख दिया. उसके बाद ये देख रहे हो आप बल्ब्स इसकी डेवलप हो गई हैं. पहले इसकी रूट्स डेवलप हुई और धीरे धीरे इसके ये बल्ब्स डेवलप हो गए हैं. ये इन बल्ब्स में ये वाटर को स्टोर करके रखता है. एंड आई शो यू वन मोर थिंग. ये देखिए इस जीजी प्लांट में छोटी सी शूट भी निकलने लगी है, लाइक इस स्टेम की तरह ये भी ग्रो करके एक नई स्टेम में डेवलप हो जाएगी. सो यू कैन सी दैट हाउ यू कैन ग्रो इवन जीजी प्लांट फ्रॉम अ शूट कट, लाइक फ्रॉम अ स्टेम कटिंग एंड इट विल डेवलप रूट्स लाइक दिस. उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है वो ये मैंगो का प्लांट है. आप देख सकते हो इसकी लीव्स निकल आई हैं एंड इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल. द कलर ऑफ द लीव्स आर सो ब्यूटिफुल. एंड ये देखो ये भी सीड से मैंने डेवलप किया है. इसका भी वीडियो, एक्चुअली इसका भी प्रोपोगेशन का वीडियो मैंने नहीं बनाया, बट रिसेंटली मैं इसका प्रोपोगेशन का भी वीडियो एक बनाऊंगी. ये सीड से ग्रो किया है और पहले इसकी रूट्स निकली एंड देन इसकी ये शूट भी निकल आई और उसके बाद ये लीव्स डेवलप हो गई. इसे भी एटलीस्ट अराउंड 20 डेज में ये इतना ग्रो कर गया है. सो दिस वॉज अ ग्रेट सक्सेस. सो अभी हम सारे प्लांट्स को सोयल में पॉट करेंगे, इनको इनकी सही जगह पे लगाएंगे. सो स्टार्ट विद दिस एवोकाडो प्लांट जो कि आप देख रहे हो एकदम टिल्ट हुआ जा रहा है क्योंकि ये इतना लंबा हो गया है. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट्स टू ग्रो सो लॉन्ग. और एवोकाडो प्लांट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये इंडिया का ग्रो होने वाला, लाइक यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है इसकी, यहाँ पे ये उगाया नहीं जाता. ये मोस्टली US से सारे एवोकाडोज इम्पोर्ट होते हैं, इसलिए बहुत ही एक्सपेंसिव है. सो अगर हम कोशिश करें तो शायद इंडिया में भी एवोकाडोज अपने एवोकाडोज ग्रो कर सकते हैं और हमें इतना प्राइस नहीं पे करना पड़ेगा उसका. सो ये मैंने एक पॉट ले लिया है, तो अभी बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं लिया है इसके लिए मैंने, तो सफिशियंट है इसके लिए. तो क्योंकि हम जब भी वाटर से कोई भी प्लांट ट्रांसफ़र करते हैं, सो आप ये ध्यान रखिए कि इसे बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट पॉट्स में मत लगाइए, क्योंकि उसको उसमें अडॉप्ट, उस कंडीशन को अडॉप्ट करने में भी बहुत सारा एनर्जी इसकी यूज़ होती है. सो इसके लिए हम थोड़ा छोटा पॉट लेंगे, थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट लेते हैं. तो सो वी हैव टेकन अ लिटल स्मॉलर पॉट. अगर ये सब थोड़ा और बड़ा होने लगेगा तो हम इसे बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे. तो इसके लिए थोड़ी सॉइल मैंने पहले डाल ली है और ये इसकी रूट्स हैं, ये इसमें चले जाएंगे और इसमें हम थोड़ा और सॉइल डालते हैं.
दिस कवर्स द सीड. देखो ऐसे सीड को पूरी तरीके से कवर कर देना है. मुझे सीड से किचन के वेस्ट से निकलने वाले कुछ भी ग्रो सीड से या फिर किसी भी चीज़ से ग्रो करना बहुत अच्छा लगता है. आई डोंट लाइक इट लाइक टू वेस्ट इवन अ पीस फ्रॉम माई किचन. सो अगर कोई भी सीड ऐसा होता है जिसको हम ग्रो कर सकते हैं उसे मैं डेफिनेटली ट्राई करती हूँ. और दिस वन दिस एवोकाडो प्लांट वॉज लाइक अ कम्प्लीट सरप्राइज टू मी, क्योंकि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था एज ये इंडिया में ग्रो नहीं करता है. और इसको बहुत टाइम लगा ग्रो होने में और काफ़ी पेशेंटली मुझे वेट करना पड़ा, बट आई डिड नॉट लूज माई पेशेंस फॉर दिस वन टू ग्रो टिल दिस हाइट. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट दिस वन, बिकॉज अगर आप मेहनत करो और आपका रिजल्ट ये हो कि आपने एक प्लांट ग्रो किया फ्रॉम द स्क्रैच फ्रॉम इट सीड और वो इतना बड़ा हो जाए तो उसकी खुशी अलग ही होती है. सो ये देखिए मैंने इसको पॉट कर दिया है. अभी मैं इसको साइड में रख दूंगी और विल मूव टू अनदर प्लांट. सो अभी इस पॉट में हम जीजी प्लांट को लगाएंगे. इसमें एक जीजी प्लांट को मैं लगा दे रही हूँ. इसमें मैं सारे जीजी प्लांट्स नहीं डाल रही हूँ, मैं उनको डिफरेंट पॉट्स में लगाऊंगी. सो अभी मैं आपको एक लगा के दिखा देती हूँ. तो इसकी स्टेम को हम अंदर थोड़ा सॉयल रखेंगे और इसकी स्टेम को अंदर डालेंगे और इस तरीके से लगाएंगे कि ये पूरी स्टेम्स को और बल्ब्स को कवर कर ले अच्छे से. एंड दिस वन इज डन. सो सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ लुकिंग. इट्स सो स्ट्रेट. दिस वन इज टू गुड. सो लाइक दैट आई कैन डेवलप लाइक मल्टीपल जीजी प्लांट्स फ्रॉम दीज वंस. लाइक देर आर टू, आई पॉट दैम इन अनदर डिफरेंट पॉट लेती हूँ. और ये मेरा DIY पॉट है जिसको मैंने थ्रेड इसके ऊपर पेस्ट करके इसे प्रिपेयर किया है और ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में. सो इसमें भी हम लगा देंगे एक और जीजी. आई थिंक आई विल गो विद दिस वन. सो पहले इसमें सॉइल थोड़ा फिल करते हैं. ये गया प्लांट. इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो शूट निकल रही है ये सॉइल के अंदर ना दब जाए, अदरवाइज ये डैमेज हो जाएगी. तो इसका ध्यान हमें रखना है. सो दिस वन इज डन और इसकी शूट भी बाहर में दिख रही है लाइक दिस. यू कैन सी द शूट इज ऑल्सो विजिबल. सो नाउ विल मूव टू अनदर प्लांट. ये भी मेरा एक DIY पॉट है जिसको मैंने ऑयल कैन से को काट के बनाया है. इसमें हम लोग ये इसमें मैं अपना स्नेक प्लांट लगा दूंगी लाइक दिस. और थोड़ा सॉइल मैंने डाल दिया है और अब मैं और सॉइल डाल देती हूँ. इसमें अगर शूट थोड़ी सी ढक भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सॉइल के ऊपर आ जाती है आराम से. सो दिस वन विल कम हियर. So this is done now. See how it's looking. अब हमारा बचा मैंगो प्लांट जिसके लिए मेरे पास पॉट नहीं है. तो सो आई विल गो विद दिस वन स्मॉलर पॉट. अभी मैं स्मॉल पॉट में लगा देती हूँ उसको करेंटली और बाद में मैं इसे ऐसे बड़े पॉट में मूव कर दूंगी. सो उसके लिए पहले मैं सॉइल ले आऊँ. या आई थिंक आई हैव सफिशियंट अमाउंट ऑफ सॉइल हियर. सो आई pick up this one. So you have to remember like you have to put it in this way that seed gets hidden in the soil and this shoot is coming up. So this is how we'll put the soil in it. Soil thodi aur chahiye mujhe.
थोड़ा अगर सीड दिख भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान रखो आप कि शूट इसकी ज़्यादा ना ढक जाए. सो या दिस इज डन नाउ. सो गाइज यहाँ पे मैंने इतने सारे प्लांट्स प्रिपेयर कर लिए हैं. ये एक स्नेक प्लांट है, जीजी प्लांट है, ये एवोकाडो प्लांट है, एंड अगेन जीजी प्लांट, एंड दिस इज मैंगो. सो दिस इज हाउ यू कैन प्लांट प्रोपोगेट देम एंड प्लांट देम इन सॉइल एंड देन यू कैन लेटर एन्जॉय इफ दे बेयर एनी फ्रूट. सो या जस्ट लीव यू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन दैट हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो एंड वुड यू लाइक टू सी मोर वीडियोज ऑफ सच काइंड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.